हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग ज्ञान, होप यू आर ऑल वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वार, लेट एंड कॉन्स्ट। वैसे तो ये तीनों कोई वर्ड यूज़ होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, पर इनके बिहेवियर में डिफरेंस होता है और अक्सर ये डिफरेंस इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ये हम और भी जानेंगे कि हमें लेट को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए वार की जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड है वार कीवर्ड। वार कीवर्ड से डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स ग्लोबली स्कोप्ड हो जाते होते हैं और फंक्शनली स्कोप्ड होते हैं। ग्लोबली स्कोप्ड और फंक्शनली स्कोप्ड का मतलब समझने के लिए हमने एक कोड एग्जांपल लिया है, तो चलिए उसे देखते हैं। इस कोड में हमने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है वार कीवर्ड के साथ, जिसकी वैल्यू 10 है। फिर हमने एक इफ ब्लॉक लिया है, उसके अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है वाई, जिसकी वैल्यू 20 है। फिर हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट की है, फिर इफ ब्लॉक के बाहर हमने वाई की वैल्यू प्रिंट की है। जैसा कि हमने कहा, वार कीवर्ड से डिक्लेयर्ड वेरिएबल ग्लोबली स्कोप्ड हो जाते हैं। तो इवन दो वाई एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है, इसकी वैल्यू ग्लोबल हो जाएगी और थ्रू आउट दी कोड एक्सेसिबल होगी। इसलिए हमें लास्ट लाइन में कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा और वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20। अब जैसा कि हमने बताया, वार से डिक्लेयर्ड वेरिएबल ग्लोबल हो जाते हैं, तो ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं। विंडोज़ ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि एक ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। अब वार से डिक्लेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए विंडोज़ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम टाइप कर सकते हैं विंडो डॉट एक्स या वाई, इससे हमें एक्स या वाई एक्सेसिबल हो जाएगा। तो चलिए आगे हम समझते हैं फंक्शनली स्कोप्ड का मतलब। फंक्शनली स्कोप्ड का मतलब होता है अगर एक वार से डिक्लेयर्ड वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो सिर्फ वो फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा, फंक्शन के बाहर उसकी कोई एक्सेस नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंस समझना चाहिए। पिछले कोड एग्जांपल में हमने एक लोकल ब्लॉक में हमने वार डिक्लेयर किया, तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। वहीं पे अगर हमने उसे एक फंक्शन में डिक्लेयर किया, तो वो उसकी एक्सेस सिर्फ फंक्शन में रही। या हम अदर टर्म्स में बोल सकते हैं, वार वेरिएबल्स आर स्कोप टू इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड क्लोजर्स। तो चलिए आगे हम समझते हैं लेट का बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट। लेट से डिक्लेयर वेरिएबल्स सेम बिहेव करते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन एनी लैंग्वेजेज सच एज जावा या C++। यहाँ पे भी लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का कॉन्सेप्ट होता है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं अगर आपने लैंग्वेजेस सच एज जावा या C++ के साथ काम किया है। इस कोड एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स, जिसे लेट से डिक्लेयर किया है, जिसकी वैल्यू है 10। फिर एक फंक्शन के अंदर लेट एक्स को डिक्लेयर किया है लेट से, जिसकी वैल्यू है 20। फिर हमने एक्स को प्रिंट कर दिया है, फिर फंक्शन के बाहर भी हमने एक्स को प्रिंट कर दिया है। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि फंक्शन के अंदर वाला कंसोल लॉग प्रिंट करेगा वैल्यू 20, फिर फंक्शन के बाहर का एक्स प्रिंट करेगा 10। तो चलिए आगे हम समझते हैं हमें हमेशा लेट क्यों यूज़ करना चाहिए वार के जगह पे। इसे समझने के लिए एक स्टेटमेंट ज़रूरी है, रीडिक्लेरेशन ऑफ वार वेरिएबल्स इन सेम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज़ अलाउड इन JS। अगर हम वेरिएबल बनाते हैं वार कीवर्ड के साथ, तो हम सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं दो बार, लेकिन हमारा पुराना वैल्यू वो डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे कि इस कोड एग्जांपल में हमने एक एक्स वेरिएबल रखा है वार कीवर्ड के साथ, जिसकी वैल्यू है 10। फिर हमने एक इफ ब्लॉक में एक्स को फिर से रीडिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वैल्यू हमने दी है 20। फिर हमने कॉन्सोल लॉक किया एक्स को इफ ब्लॉक के अंदर, फिर इफ ब्लॉक के बाहर भी हमने कॉन्सोल लॉक किया है एक्स। अब जैसा कि हमने बताया, वार कीवर्ड से हम एक ही नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, पर हमारा प्रीवियस वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमने एक्स को इफ ब्लॉक के अंदर फिर से रीडिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वैल्यू दी है हमने 20। तो अब एक्स की वैल्यू थ्रू आउट द कोड चेंज हो जाएगी। तो इफ ब्लॉक के अंदर कॉन्सोल लॉग में हमें प्रिंट करने को मिलेगा 20, फिर इफ ब्लॉक के बाहर भी प्रिंट स्टेटमेंट में हमें मिलेगा 20। तो एक ही नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर करने से हमारी प्रीवियस वैल्यू डिस्कार्ड होगी। अब ये एक बहुत प्रॉब्लम कर सकता है आपके कोड में। अगर आपने एक लोकल ब्लॉक में सेम नाम से वेरिएबल बना दिया, जो कि ऊपर एक वार कीवर्ड से डिक्लेयर्ड है, तो आपकी प्रीवियस वैल्यू चेंज हो जाएगी और आपका प्रोग्राम ब्रेक कर सकता है और आपको इसको ढूंढने में बहुत टाइम लग सकता है। शुड ऑलवेज अवॉइड यूजिंग वार कीवर्ड इंस्टेड ऑफ लेट। आगे हम समझते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड से हम कॉन्स्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द कोड सेम रहती है और ये चेंज नहीं होती है।
लेकिन कॉन्स्ट कीवर्ड एरे के साथ डिफरेंट बिहेव करती है। इसे एक बार चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्स्ट एरे डिक्लेयर किया है 1, 2, 3, 4, 5 का, फिर उसे प्रिंट किया है और एरे में पुश कर दिया 6, फिर उसे प्रिंट किया है। जैसे कि हमने बताया, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू को चेंज डिक्लेयर करने के लिए, जो कि चेंज नहीं होगी। पर हमने यहाँ पे तो एरे का स्ट्रक्चर चेंज किया उसमें 6 पुश करके, पर सरप्राइजिंगली ये जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरे का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। पर वहीं अगर हम एरे को डिक्लेयर करके उसे एक नए एरे में रीअसाइन करें तो जावास्क्रिप्ट में ये एक एरर है, क्योंकि यहाँ पे एरे का एड्रेस चेंज हो रहा है।